मैं शिवकांत गौतम, आप सभी का स्वागत करता हूं आपने लॉग इन किया वन इंडिया यूट्यूब चैनल। ओलंपिक 2016 में भारत का प्रदर्शन वाकई में निराशाजनक रहा। ऐसे में रियो ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक कमेटी का बर्ताव भी निराशाजनक रहा, ऐसा लग रहा था मैराथन धाविका जैशा के बयान के बाद। ओपी जैशा ने कहा कि उनको पानी नहीं मिला जब वो मैराथन दौड़ रही थी, लेकिन उनके इन बयान को फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नकारते हुए बयान जारी कर कहा कि जैशा और उनके कोच ने रेस के बीच एनर्जी ड्रिंक्स लेने वाले ऑप्शन को मना कर दिया था। जैशा के बयान को खारिज करते हुए AFI ने कहा कि उनके कोच ने ही किसी ड्रिंक को लेने से मना कर दिया था। हालांकि ये बात वाकई में ही सवालिया निशान खड़ा करती है, 42 किलोमीटर की दौड़ में क्या कोई धावक, कोई खिलाड़ी या कोई आदमी पानी लेने से मना करेगा? AFI के इस बयान को नकारते हुए ओपी जैशा ने कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। हालांकि इस बात में वाकई में दम नजर नहीं आ रहा है कि कोई खिलाड़ी क्यों मना करेगा जब वो 42 किलोमीटर दौड़ रहा है एनर्जी ड्रिंक्स और पानी लेने के लिए। AFI ने कहा कि हर टीम को बूथ पर अपने ड्रिंक्स रखने की इजाज़त दी गई जिसे टीम और एथलीट के चॉइस के कलर के साथ मार्क किया गया था। वहीं AFI ने कहा है कि महिला मैराथन की पिछली रात को भी भारतीय टीम के मैनेजर ने 16 खाली बोतलों को लेकर अपने कमरे में गया था। इसमें से 8 जैशा के लिए, 8 कविता के लिए थी। टीम मैनेजर ने उनसे कहा कि वे अपनी पसंद की ड्रिंक बता दें ताकि उनकी उपस्थिति में उसे सील कर दिया जाए, लेकिन आयोजकों ने कहा है कि ये बोतलें जो हैं उनके बूथ पर रख देते, लेकिन कविता और जैसा दोनों ने ही इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब वाकई में ये ऑफर क्यों ठुकराया गया है और भारतीय ओलंपिक संघ ऐसा क्यों कह रहा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है भारत के खेलों की दशा पर भी। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।